ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे एक कच्छ तिबु क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्छ तिबु वापिस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अभी आपने जो सुना, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया बयान था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, नए तथ्यों से पता चला कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चा तिबु द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इस बयान के बहाने हमने सोचा क्यों ना आपको कच्चा तिबु द्वीप की पूरी कहानी सुनाई जाए। क्या है इस द्वीप का इतिहास और क्यों ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख। शुरुआत एक शब्द से, जल डमरू मध्य। महान दार्शनिक लुडविग विटगेंस्टाइन ने भाषा को लेकर एक थ्योरी दी थी। भाषा वो है जो शब्दों के माध्यम से आपके मन में एक तस्वीर बनाती है, इसलिए ऐसे शब्द जो साफ तस्वीर बना सके सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। जल डमरू मध्य एक ऐसा ही शब्द है। जल यानी पानी, मध्य यानी बीच और डमरू का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। इस शब्द से आपके मन में एक तस्वीर बनती है, पानी के बीच डमरू। कितना आसान है समझना। फिलहाल हम इस शब्द से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कच्चा तिबु द्वीप की कहानी एक जल डमरू मध्य से शुरू होती है जो हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच में बनता है। इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। पानी के इस रास्ते पर कई द्वीप पड़ते हैं, इनमें से एक का नाम है काचा तिबु। इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है, साफ पानी मुश्किल से मिलता है और अक्सर मछुआरे यहाँ पर अपना जाल सुखाने के कामों के लिए रुकते हैं। 285 एकड़ में बसा यह छोटा सा द्वीप भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 17वीं सदी में ये मदुरई के एक राजा रामनाथ की जमींदारी के कंट्रोल में आता था। उस दौर में यहाँ एक चर्च का निर्माण भी कराया गया था। भारत से हर साल हजारों लोग इस चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। हालांकि इसके अलावा इस द्वीप पर ज्यादा बसाहट नहीं थी। तमिलनाडु और जफाना से मछुआरे जब क्षेत्र में मछली पकड़ने आते तो यहाँ रुका करते थे। भारत में ब्रिटिशर्स के शासन के दौरान जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो ये द्वीप अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। 1921 में इस द्वीप पर हक को लेकर पहली बार विवाद जन्मा। चूंकि श्रीलंका जो तब सिलोन के नाम से जाना जाता था वहाँ भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप का सर्वे करवाया और इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया। हालांकि भारत की तरफ से इस पर विरोध दर्ज हुआ क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से ये एक भारतीय राजा के कंट्रोल में आता था। बहरहाल 1947 तक ये विवाद ज्यों का त्यों रहा। 1947 में सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से इसे भारत का हिस्सा माना गया, लेकिन तब भी श्रीलंका ने इसे अपना ही अधिकार माना और इस पर अधिकार छोड़ा नहीं। 1974 तक दोनों देश इस द्वीप का प्रशासन संभालते रहे। मुख्य रूप से द्वीप मछली पकड़ने की जगह थी, इसलिए दोनों देश के मछुआरे इसे इस्तेमाल करते रहे। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच एक दूसरे की सीमा के उल्लंघन को लेकर कई बार तनाव भी हुआ। समुद्री सीमा रेखा विवाद को सुलझाने के लिए 1974 में दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई जिसमें एक समझौते का रूप तय हुआ। ये समझौता दो हिस्सों में तय हुआ था, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में। इस समझौते के तहत एक खास चीज ये हुई कि भारत ने काचा तिबु श्रीलंका को दे दिया। हालांकि समझौते में ये भी निहित था कि भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर जा सकेंगे, लेकिन क्या वे लोग मछली पकड़ने का काम कर सकेंगे, इस समझौते में साफ साफ इसका उल्लेख नहीं था। लिहाजा श्रीलंका सरकार ने माना कि भारतीय मछुआरे केवल जाल सुखाने और आराम करने जैसी गतिविधियों के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा भारतीयों को इस द्वीप पर बने चर्च में भी बिना वीजा जाने की इजाजत थी। इस समझौते के बाद दक्षिण के राज्यों की तरफ से काफी हल्ला हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इस समझौते पर एतराज भी जताया था। सरकार इस कदम से पीछे नहीं हटी।
इसका एक कारण था श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सिरिमा बंडरनायक और इंदिरा गांधी की दोस्ती। ट्रिविया के लिए ये भी जान लीजिए कि बंडरनायक दुनिया की पहली महिला थी जो किसी देश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। बंडरनायक भी इंदिरा की तरह ताकतवर नेता थी और इंदिरा की तरह उन्होंने भी अपने देश में आपातकाल लगाया था। साल 1980 की बात है, बंडरनायक और उनके बेटे अनुरा पर इमरजेंसी के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की जाँच चल रही थी। 1977 के चुनावों में बंडरनायक की विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने उनकी और इंदिरा की दोस्ती को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नारा दिया था, आज भारत कल श्रीलंका। यानी जैसे भारत में इंदिरा की हार हुई वैसे ही बंडरनायक की हार होगी। इत्तेफाक से बंडरनायक के बेटे अनुरा की छवि भी एकदम इंदिरा के बेटे संजय गांधी जैसी थी। उन पर भी जमीन घोटाले को लेकर जांच चल रही थी। एक रोज सदन में विपक्षी नेता अनुरा पर हमला बोल रहे थे। गुस्से में अनुरा अपनी सीट से खड़े हुए और मेज थपकाते हुए बोले, रुको, मिसेस गांधी के जीतने का इंतजार करो, तब तुम देखोगे। बहरहाल अपनी मेन स्टोरी पर लौटते हुए जानते हैं कि काचाथीवु द्वीप विवाद पर आगे क्या हुआ। 1974 के बाद 1976 में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक समझौता हुआ। मुख्यतः यह समझौता मन्नार और बंगाल की खाड़ी में सीमा रेखा को लेकर हुआ था। लेकिन इसी समझौते में एक और चीज जुड़ी जिससे काचाथीवु का विवाद और भड़क गया। समझौते में लिखा था, भारत के मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी समंदर का वो हिस्सा जिस पर श्रीलंका का अधिकार है। इस हिस्से में काचाथीवु द्वीप भी आता है। ये एक बड़ी दिक्कत थी क्योंकि इस समझौते से पहले भारतीय मछुआरे काचाथीवु द्वीप तक मछली पकड़ने जाते थे। एक और मसला था कि सरकार ने यह कदम तमिलनाडु की सरकार से मशवरा किए बिना उठाया था। यह इमरजेंसी का दौर था और तमिलनाडु में सरकार भंग हो चुकी थी। यह समझौता भारत और श्रीलंका के बीच सीमा विवाद सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। लेकिन तमिलनाडु के मछुआरे इससे खासे नाराज थे, इसलिए यह मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में समय समय पर भूकंप पैदा करता रहा। इसके लगभग डेढ़ दशक बाद 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव काचाथीवु द्वीप को वापस भारत में मिलाने और मछुआरों के अधिकार को पुनः हासिल करने की बात करता था। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में गृह युद्ध की आग छिड़ी हुई थी, इसलिए उस समय श्रीलंका की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। लिट्टे से जूझ रही श्रीलंका की नौसेना के पास इस मुद्दे से निपटने का वक्त नहीं था, इसलिए लंबे वक्त तक भारतीय मछुआरे इस इलाके में मछली पकड़ने के लिए जाते रहे। 2003 में श्रीलंका सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वो भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए और अधिक लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है, लेकिन तब न तमिलनाडु न ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया। 2009 में लिट्टे का खात्मा होते ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। श्रीलंका की नौसेना ने इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी, जिसके चलते भारतीय मछुआरे जैसे ही इलाके में जाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तारी की घटनाएं जैसे जैसे बढ़ने लगी, मुद्दे ने राजनीति भी हल्काना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के नेताओं पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने वो उठाए। 2008 में AIADMK नेता जयललिता इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनकी तरफ से दलील दी गई कि संविधान संशोधन से सरकार ने भारत की जमीन किसी और देश को दे दी। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में इस बाबत एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। 2014 में इस मामले पर सरकार की तरफ से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, काचाथीवु द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया और अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का हिस्सा है, आप इसे वापस कैसे लेंगे? काचाथीवु द्वीप वापस लेने के लिए आपको युद्ध लड़ना होगा। 2015 में इस मामले में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के एक बयान से काफी विवाद हुआ। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर भारतीय मछुआरे इस इलाके में आएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तब दक्षिण के नेताओं की तरफ से इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। चूंकि ये मुद्दा मछुआरों की रोजी रोटी का मुद्दा है, इसलिए समय समय पर तमिलनाडु की राजनीति इसको लेकर गर्माती रहती है। काचाथीवु द्वीप का मुद्दा दो देशों से जुड़ा है, इसलिए विदेश नीति भी इससे प्रभावित है। हालांकि चुनाव का मौसम है, इसलिए वर्तमान में ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मामले पर बोल रहे हैं। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, पिछले 20 वर्षों में 6,184 भारतीयों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है और इसी समय काल में 1,175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को श्रीलंका द्वारा जब्त किया गया है।
पिछले 5 वर्षों में कच्चा तिबू मुद्दा और मछुआरों का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार बार उठाया गया। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे कई बार पत्र लिखा है और मेरा रिकॉर्ड बताता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को मैं इस मुद्दे पर 21 बार जवाब दे चुका हूँ। जयशंकर ने आगे कहा, सत्य यह है कि आज हम वास्तव में न केवल ये जानते हैं कि ये किसने किया और किसने इसे छिपाया, बल्कि ये भी जानते हैं कि 1974 के कच्चा तिबू समझौते के लिए जिम्मेदार पार्टियां कौन थी और 1976 में मछुआरों का अधिकार कैसे समाप्त किया गया। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि भाजपा इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। एपिसोड लिखे जाने तक कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का इस पर कोई बयान नहीं आया। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल उम्मीद हमारी यही है कि आपको कच्चा तिबू का मुद्दा समझने में कुछ मदद मिली होगी। कैसा लगा एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी कमल ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। ललित जॉब देखते रहिए। शुक्रिया।